रहा था, किसके बेसिस पे? कि एक्सपेरिमेंटर ने क्या कहा, एक्सपेरिमेंटर बोलेगा शॉक दो तो वो क्या करेगा, शॉक देगा। जैसे भी तुम खेलोगे ना, बस ये तुमने सोचना है कि तुमने उनको गोल नहीं करने थे, चाहे तुम गोल करो ना करो, पर तुमने नहीं करने थे, ठीक है। इसी तरह ना हम करते थे, चलो हम कुछ जीते नहीं, हार के तो पहले ही मैच आ गए हमेशा, लेकिन पूरे जोश के साथ परफॉर्म किए। बिल्कुल, क्या नाम है आप? भानु। भानु के लिए क्लैप करेंगे, उसने बहुत अच्छा बोला। किस टाइम चोरी करो, जब गार्ड जग रहा है कि सो रहा है?
और जब उठे तो सबसे पहले इसको पढ़े। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट पाए गए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी चीजें डिस्कवर की हैं और उनसे पूछा गया ये कब हुआ, उन्होंने क्या बोला, नींद पे हुआ। ये आइडिया मुझे कब आया, नींद में आया। तो इन्फॉर्मेशन आपको क्या करता है, एक्शन लेने के लिए पुश करता है, धक्का देता है, आपको मोटिवेट करता है कि आप कोई चेंज लाओ। कभी जिम गए हैं, कितने लोग जिम गए, क्या वहां पे मोटिवेशनल कोट्स लिखे होते हैं, नो पेन नो गेन, बहुत कुछ लिखा हो, बहुत ज्यादा इमेजेस भी होती है, इमेजेस भी होती है, क्यों लगाया जाता है वो सब, आपको पुश करने के लिए कि आप एक्शन लें। देखो क्या जरूरत है, पैसे ही खर्च होता है उसमें। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। चेंज सिर्फ एक्शन लेने से आता है। आप सोचे मैं एक कॉपी में लिख लूं, दिन रात पढ़ता रहूं, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। हमने अक्सर ऐसा किया है, लोगों ने कॉपियां भरी हैं, अब कल से मैं नशा नहीं करूंगा, अब मैं नशा कभी नहीं करूंगा, उससे क्या हुआ, एक दिन नहीं किया, दो दिन नहीं किया, तीसरे दिन फिर कर लिया। आप यहाँ पे पूरे दिन प्रोग्राम करते हो ठीक, लेकिन खुद को क्या बोलते रहते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, बकवास है, ये तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो चेंज आ जाता है नहीं आ, क्यों, पहले इंफॉर्मेशन अपने जैसे अभी जैसे सुबह अगर घूमने जाना है तो पहले ये मालूम होना चाहिए कि घूमने से मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और फिर मैं उसको एक्शन में करूंगा, घूमूंगा तो मैं सही रह पाऊंगा। तब तक हम लोग क्या करते रहेंगे, मन को दबा के बस करते रहे, एक्ट एज इफ करते रहे, एक्ट एज इफ करने से क्या सारा चीज आ जाता है, नहीं है हम यहाँ मजबूरी से रह रहे या कोई भी तरीके से रह रहे हैं या रहकर कुछ सीख पा रहे हैं, ये हमारे एफर्ट तो एक्शन ना लेने के बहाने मिलते रहेंगे।